हलका अंबरपेट के अली केफ चौराहे पर टीजीएस ग्रेटर हैदराबाद जॉइंट सेक्रेटरी एमडी सद्दाम की सरपरस्ती में साफी संतोष पर धमकी देने वाले पटेंचोर एमएलए मयपाल रेड्डी का पुतला नजरे आतिश किया गया। हालिया में हुए सहाफ़ी संतोष पर डराने जान से मारने की धमकी देने वाले रुकन असम्बली पटनचोर मयपाल रेड्डी का पुतले को आज ग्रेटर हैदराबाद सेक्रेटरी एमडी सद्दाम ने अंबरपेट अली के चौराहे पर मयपाल रेड्डी के मुजस्मे को नसरे आतिश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सीपीआई सीपीएम पार्टी के तमाम लीडर्स ने सहाफ़ियों का साथ दिया। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद वसीम की ये रिपोर्ट। आज अंबरपेट जर्नलिस्ट की जानिब से और सीपीआई और कांग्रेस पॉलिटिकल जितने अंबरपेट के लीडर हैं उन लोगों की जानिब से आज अली केफ चौरसे पे मयपाल रेड्डी का जो डिस्टबम्मा जलाए, हाँ हम मयपाल रेड्डी से यही सवाल करना चाह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट तेलंगाना जब मूवमेंट था उस मूवमेंट के टाइम पे जो जर्नलिस्ट अपने जानों की कुर्बानियाँ दे लेते हुए जो तेलंगाना के लिए तेलंगाना को सपोर्ट करने के लिए जो आगे बढ़ के थे, आज उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही, ये मयपाल रेड्डी हो या इससे पहले मैनमपल्ली हनुमंतराव हो और एमएलए कालर वेंकटेश हो, ये लोग पूरे मिलके जर्नलिस्ट को आकर समझ रहे हैं क्या? क्योंकि तुमला जो फुगट की जो सीट पे आज राजगद्दी पे बैठे, ये जो फुगट की राजगद्दी पे, ये तुम्हारे कुर्बानियाँ ना होते, ये टीआरएस के केसीआर के कुर्बानियाँ होते, ये तेलंगाना के जर्नलिस्ट के कुर्बानियाँ हैं और तेलंगाना की आवाम के कुर्बानियाँ हैं। ये चीज़ तुम लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोग जर्नलिस्ट को जिस तरीके से अल्फाज लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो लिहाजा तुम लोगों का काबिल ही नहीं है। काबिल इंसान जो होता जर्नलिस्ट के बारे में पहले तुम लोग को जान लेना चाहिए, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम क्या होता कि भाई इलेक्शन के लिए प्रचार के लिए तुम्हारी टीआरएस गवर्नमेंट जर्नलिस्टों को सामने रखती, तेलंगाना के लिए सीएम केसीआर साहब जो भी पब्लिक के लिए मूवमेंट्स लेके आते, मुद्दे लेके आते, उस टाइम पे जर्नलिस्ट याद आते। अब जब जर्नलिस्ट तुम लोग से सवाल करने लगे तो जर्नलिस्ट को गाली गलौज करते तुम लोग, ये केसीआर साहब को नहीं दिख रहा, केसीआर साहब को दिमाग नहीं है, केटीआर साहब को दिमाग नहीं है कि जर्नलिस्टों के लिए जर्नलिस्टों के ऊपर क्या चल रहा, उन लोगों का अपने के बच्चों को बीवी को सबको छोड़ के आधी आधी रात को तेलंगाना की आवाम के लिए निकल जाते। फ्लड के टाइम पे पूरे जर्नलिस्ट बाहर थे, हर कोई पूरे पॉलिटिकल लीडर घरों में थे, जर्नलिस्ट बाहर थे, क्योंकि तेलंगाना की आवाम को जान लेना चाहिए। अगर जर्नलिस्ट एसोसिएशन तरफ नीचे वाला मयपाल रेड्डी मीद दिष्टबोम तगबेटन जरिगिंदी, मा कांग्रेस पार्टी नीचे संपूर्ण मद्दतु प्रकटिस्तुन्नामु। मयपाल रेड्डी चरित्र मोत्तमु ఇదే, ఆయన జిందగీ మొత్తం ఇంత ఇదే, ఇప్పుడు భూ కబ్జాలు చేసుకుంటేనే ఆయన లైఫ్ అంతా గడిపిండు. మేము మా పార్టీ నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాము. ఆయనని వెంటనే ఆయన మీద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయాలి. అంబర్పేటలో తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున మయపాల్ రెడ్డి దిష్టి బొమ్మ దగ్నం చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనికి సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నది. గూడెం మయపాల్ రెడ్డి, నీ గత జీవితాన్ని నువ్వు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకో. నువ్వు ఏముంటివి, ఈ భూములు కబ్జా చేసే నువ్వు ఇడిదారకు వచ్చినావు, ఒక జర్నలిస్టు నిజము పత్రికలో పెడితే నీకు అంత కోపం ఎందుకు? నీకు ఒక వీకర్ సెక్షన్ ప్రెస్ రిపోర్టర్ మీద అంటే నీకు ఎస్టీలు అంటే నీకు అంత చులకనగా ఉన్నది ఒక ఎస్టీ జర్నలిస్ట్. పర్ఫెక్ట్, మన అలీకేఫ్ చౌరస్తా వద్ద ఎమ్మెల్యే మయపాల్ రెడ్డి దిష్టి బొమ్మ దగ్ధం చేశాము. ఎందుకంటే 4 రోజుల క్రితం ఏదైతే జర్నలిస్టులకి ఫోన్ చేసి బెదిరించడము, సంపేస్తా అనడము, చీరేస్తా అనడం, ఇలాంటి అసభ్యమైన పదజాలతో దూషించడము, మయపాల్ రెడ్డిని తక్షణమే అరెస్టు చేయాలి, అతన్ని మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కూడా బర్తరఫ్ చేయాలని మా తరఫున డిమాండ్. జర్నలిస్టు అందరూ ఒక్కటైనప్పుడు ఎవరు ముందుకు రాలేరు. ఇదో हमारे एचएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर.